हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ी को प्रणाम, छोटी को ढेर सारा प्यार। मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पा दोसाद ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी मैं शाम से। तो आज मेरी वैशाली का थॉट ये है आज का, यहीं से दिखा देती हूँ देहरादून की हल्की वादियाँ आप लोगों को। आबादी का शहर और आज मैंने धोए इतने सारे कपड़े, तो अभी इनको उठा लेती हूँ। तो काजल अभी अभी पहुंच मिलने के लिए कॉलेज की ड्रेस में ही आई है। कितने बजे हुई जा छुट्टी? कितने बजे हुई छुट्टी? 3:30 में। ओयो, मेरा बहुत, मेरा तो सबसे स्वीट, मेरा प्यारा बच्चा तो वही है। तीनों बच्चों में सबसे अच्छा तो मैं तुझे ही मानती हूँ, लाडली मेरी बच्ची। भूख लगी होगी ना? चल अब खाना वाना खा ले फिर। किसकी मम्मी? रंजू की मम्मी। क्या, कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी। कैसा कुछ? खाना। क्यों नहीं है? तो काजल को लगी है बहुत ज़्यादा भूख, दिन का दाल चावल बचा है तो मैं उसको दे रही हूँ। मैं सारी रख दे फिर इसको। राजू आजा बच्चा, कहाँ है तू? वॉशरूम है। क्या हुआ? पूरी चल फिर खा ले। हाँ तू इतना अच्छा लग रहा है है? हाँ। अपनों के साथ लगता है, इतना अच्छा है ना। तू वहाँ क्या खाएगी? तू सपना लोगों की वहाँ भाई जहाँ भी, फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आई फिर रूम पे भी नहीं गई अपने, डायरेक्ट मैं यहाँ को आई। फिर यहाँ से मैंने देखा कि इतनी रात को बस नहीं मिली, बहुत 15 मिनट वेट किया, मैं कहा बहुत ज़्यादा रात हो गई। फिर मैं ऑटो में बैठ के आई घंटा घर तक। अब वहाँ गई दूसरी, ट्रैफिक बहुत लगता, बहुत देर तक रुकी, फिर दूसरी साइड से लाई गली गली से पता नहीं कहाँ से, तो सब लोग उतर गए, मैं अकेली, मुझे डर लग गया। मैं कही अंकल आप मेरे को गलत तो नहीं लेके जा रहे? नहीं बेटा नहीं, मैं नहीं ले, मैं घंटा घर ही नहीं आना चाहिए, मैं घंटा घर ही लेके जा रहा आपको। अरे वो शॉर्टकट से लेके तो, लेकिन बच्चा मैंने कहा था ना अपने आप रहेगा, तो जनवरी में घर आए। फिर मैंने अंकल ने मेरे को वहां पर ट्रैफिक लगा था, बोला थोड़ा सा चल के आप यहाँ को जाओ, यहाँ से लेफ्ट मोड़ना आप पहुंच जाओगे, यहाँ पर आपको ट्रैकर मिल जाएगा। मैं ठीक है। फिर उसके बाद मैं आई, पैदल आई, तो क्या हो गया अचानक से, मतलब कि जैसे घंटाघर से हमको यहाँ को मुड़ना था, मैं वो राजपुर रोड में चले गई, और मैं चलते गई बहुत आगे चले गई, और करीब इतना चल गई होंगी ये चौक से मुंह बंद करने का, ये नीचे दीदी लोग के जिम तक, इतनी दूर तक। फिर आके मैंने कहा यार ऐसा तो था नहीं, और ये मैं कौन सी जगह आ गई? तो एक अंकल जी थे बुड्ढे, मैंने उनको, मैं अंकल ट्रैकर कहाँ से मिलेगा? बोला बेटा आप तो गलत आ गए, आपको ऐसे। फिर वापस पैदल गई इतना, फिर वहां से मुड़ी, फिर वहां से आगे दिया था, मैंने कह दिया था हम जैन में मिलेंगे, तो मैं फोन पे ऐसा बात कर रही थी। Thank you.
अभी हम जा रहे हैं, जो कि रजनी की फ्रेंड भी है सपना, और मेरे मायके की है वो मेरी भतीजी, और यहाँ हैं तो ये सब बच्चों का इतना अच्छा साथ हुआ है। कभी जो अकेले होते हैं तो एक दूसरे के वहाँ खाने पे, चाय पे और कभी नाश्ते पे आ जाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो घर से बिल्कुल बाहर हैं, बिल्कुल एक फैमिली की तरह ही वो बच्चे रहते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं अब सपना लोगों के वहाँ खाना खाने पे, तो वहीं पे मिलते हैं आप लोगों से, तो आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। मैं पहुँच गई हूँ सपना लोगों के रूम में, और सपना, रजनी और वैशाली मिलके बना रहे हैं खाना। हम देख रहे हैं सपना बना रही है रोटी। सपना अभी हम लोग खाने लग गए हैं खाना, बच्चों ने बना दिया है, उन्होंने बनाई है सब्जी, राइस, रोटियाँ। अंदर से छुटिया मेरा बच्चा। खाने के बाद आ गए हैं हम अब रूम में, अभी वैशाली के रूम में सब लोग थोड़ी देर कर रहे हैं एंजॉय, और क्योंकि आज लास्ट नाइट हूँ बच्चों के साथ तो थोड़ा डांस वगैरह भी कर लेते हैं। इनका ऑपरेशन हुआ है, ये बेचारी का आज ही हुआ है और मेरा कल हो गया था, मेरा इसके ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ये अभी इसकी ब्लैक एंड जिंदगी पूरी ब्लैक है, मेरी ब्लैक एंड व्हाइट है। तो सभी लोगों ने किया पारंपरिक हमारा कुमारी छोड़ा, और मैंने कहा बच्चों से जैसा भी आता है सब लोग इसी को करते हैं, और उनकी एक फ्रेंड है नेपाल से और वो भी कर रही है, और बहुत अच्छा लगा आज बच्चों के साथ। अरे दो स्टेप आगे आते हैं एक पीछे आते हैं।